शनिदेव। प्रिय भक्तगण, मैं कुरुमा रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जो कष्ट जो परेशानियां आपको आ रही हैं उसको दूर कर सके और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। हम इस चैनल के माध्यम से आपको वो छोटी छोटी बातें, वो ज्ञान की बातें बताते हैं जिसको करने से आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है व्रत के विषय में। हम में से अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, व्रत का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट लगे ही रहते हैं। परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, वो जो हम भूल करते हैं व्रत को रखते हुए। आज मैं आपको उन सभी भूलों के बारे में बताऊंगी और आप उसका सुधार करके अपने व्रत को ठीक तरीके से पालन कर सकते हैं। साथ ही आज आपको बताऊंगी आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, कौन सा व्रत रखना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है और शीघ्र फल देने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए 15 मिनट अपने जीवन के तो अवश्य ही निकाल ही सकते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल के पेज पे जाकर के आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन, घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका मैसेज स्वतः ही प्राप्त होने लगे। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया, घंटी का आइकन नहीं दबाया तो आप तुरंत ही हमारे चैनल के पेज पर जाकर के आप बेल का आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर डेली का राशि फल भी आप देख सकते हैं। स्वामी राज ऋषि जी डेली आप सभी की राशियों के बारे में, आपके आज के सितारे के बारे में बताते हैं। उस राशि फल को देख करके वो साथ में उसमें उपाय भी बताते हैं, सावधानियां भी बताते हैं जो आपने नित्य ही प्रयोग करनी है। तो इसलिए आप राशि फल भी स्वामी राज ऋषि जी का नित्य ही सुबह देख करके अपने दिन का प्रारंभ करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हर पूजा के बाद इस श्लोक का पाठ अवश्य ही किया जाता है। हम ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, हम भक्तिहीन हैं, हमें भक्ति करनी नहीं आती, हमें कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई क्रिया करनी नहीं आती, हमें पूजा पाठ भी करना नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, आप हमें शुभ फल प्रदान करें और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम में से बहुत से लोग आजकल व्रत रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं व्रत का जो मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, जो आत्मा है वो लुप्त होती जा रही है। किसी बच्चे को अगर ये पता चले कि आज किसी बड़े ने घर में व्रत रखा है तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है आज तो हलवा पूरी खाने को मिलेगा। मैंने सुना है एक युवती व्रत रखने की उसकी इच्छा हुई, वो मंदिर में जाकर के पंडित जी से उसने बात की और पूछा कि पंडित जी विधि विधान व्रत का क्या होता है, मैं किस प्रकार से व्रत रखूं। पंडित जी ने उसे सारी बातें समझाई। फिर उसने पूछा, पंडित जी जल तो पी सकते हैं ना, खाने का परहेज है, कोई बात नहीं, मैं पानी तो पी सकती हूँ। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल निर्जला एकादशी को छोड़ के और करक चतुर्थी को छोड़ के आप बिल्कुल जल को पी सकती हैं। तो वो युवती कहने लगी, यही मैं सोचूं कि बेचारे गोलगप्पे के पानी ने किसी का क्या बुरा किया है, उसे तो व्रत में पी ही सकते हैं। पंडित जी ने नारियल लिया और अपने सर पर ओढ़ा। व्रत की जो आत्मा है वो हम भूलते जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में व्रत रख क्यों रहे। तो आज वही सब बातें मैं आपको बताऊंगी। और जो भूल व्रत को रखते हुए आप करते हैं, व्रत तो बहुत से लोग रखते हैं लेकिन भूल उसमें क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को अवश्य ही देखते रहें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल बहुत से लोग हमें फोन करके ये शिकायत कर रहे हैं कि गुरु माँ हम आपके यहाँ फोन करते हैं, फोन मिलता नहीं है। देखिए हमारे यहाँ 5 से ज्यादा नंबर्स हैं और सारे ही हमने आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 500 से अधिक कॉल हमारे यहाँ पर डे आती है, एक दिन में 500 से ज्यादा कॉल आ रही है, तो यदि बिजी है, हमारा नंबर बिजी आ रहा है, तो कृपया करके आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि फोन नहीं उठाया जाता है,
तो फोन का टाइमिंग हमारे यहाँ जो है वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में है और मंडे से लेकर के सैटरडे तक का है। आप इस बीच में फोन करेंगे तो जरूर आपका फोन उठाया जाएगा। संडे को फोन नहीं उठाते हैं हम। हाँ, अगर कोई मिलने वाले हैं, किसी की अपॉइंटमेंट है तो वो चलता रहता है, लेकिन फोन अटेंड उससे नहीं होते। तो आप समय का अवश्य ही ध्यान दें, उस समय के बीच में करेंगे तो अवश्य ही आपका फोन उठाया जाएगा। साथ ही आपसे ये कहना चाहूंगी, कई लोगों ने मुझसे ये निवेदन किया है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरु माँ हम चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े, जीवन भर आपसे जुड़े रहें और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करती रहें, पूजा करती रहें, हमें आशीर्वाद देती रहें। तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है इस बात को आपको बताते हुए कि अब मैं आप सभी के साथ जुड़ने के लिए, आपके एवं आपके परिवार के लिए रोजाना पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध हूँ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुझसे पूजा कराना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं डेली बेसिस पे रोजाना के लिए, तो बहुत ही छोटी सी दक्षिणा में आप हमारे शनिपीठ मंदिर से जुड़ सकते हैं और रोजाना ही हमारे द्वारा ईश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं वहां पर संपर्क कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार का एक फोटो और सभी फैमिली मेंबर्स का नाम हमें सेंड करें ताकि हम आपको डेली पूजा में शामिल कर सकें। चलिए अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। व्रत जो है वो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है, साइंस भी मानता है कि हमारे शरीर को और अच्छा करने के लिए, अच्छे रूप से चलाने के लिए व्रत एक बहुत अच्छी चीज है और हर धर्म में व्रत को, फास्टिंग को हम लोग मानते हैं। व्रत को करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, व्रत को करने से हमारी संकल्प शक्ति और दृढ़ होती है। एक प्रकार से हठ योग है, एक तपस्या है जहां हम अपने स्वयं को जला करके अपने पापों को नष्ट करते हैं, अपने कष्टों को जलाते हैं। और जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारा सोचा हुआ काम नहीं बन रहा, हम जो भी सोचते हैं वो होता नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो व्रत अति आवश्यक है, उनको जरूर ही व्रत करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोचा हुआ काम बनता क्यों नहीं? आप जब भी कुछ सोचते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति में कुछ कमी है, आप इतने दृढ़ नहीं है। आपके एक मन का कोना कहता है कि हाँ मुझे ये कार्य चाहिए, मुझे ये कार्य करना है, और कहीं ना कहीं दूसरे मन का कोना आपको रोकता है। आपका भीतर ही खंड खंड हो रहा है और आपस में ही आप लड़ते रहते हैं। एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता है पता नहीं होगा नहीं होगा, रहने दो, छोड़ दो। और इसी चक्कर में, क्योंकि संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, आपका सोचा हुआ कार्य बन नहीं पाता। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने सोचे हुए काम को बनाना चाहते हैं, अवश्य ही उन्हें व्रत करना चाहिए। लेकिन किसी चीज की भी अति ना करें। कई लोग मैंने देखे हैं उनसे व्रत नहीं रखा जाता, तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि वो महीने में 15 दिन व्रत ही करते रहते हैं। किसी भी चीज की अति मत करो, करो लेकिन मध्य में रहकर, बीच में रहकर, जितना अनिवार्य है केवल उतना ही। हम जो मुख्य भूल करते हैं व्रत को रखने में, व्रत तो आपने रखा ही होगा कभी ना कभी, लेकिन व्रत को रखने में जो आप भूल करते हैं आज मैं आपको वो बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो जब भी आप व्रत रखें, सुबह उठ करके आप जब स्नान इत्यादि के बाद निवृत्त हो जाते हैं, आप मंदिर में बैठ के पूजा पाठ को प्रारंभ करने से पहले उस दिन संकल्प अवश्य करें। आपने भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करना है, हाथ में गंगा जल लेना है, कोई दक्षिणा लेनी है और संकल्प अवश्य करना है। संकल्प करें कि मैं ये व्रत इस हेतु कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। जब तक कि आप मन में ये संकल्प नहीं करेंगे, आपका व्रत अधूरा है, वो आपको कोई भी फल नहीं देता है। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान दें, जो भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, सबसे पहले सुबह उठ करके संकल्प अवश्य ही पूजा से पहले करें कि आज हम ये व्रत रख रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अगर आपको संकल्प के मंत्र नहीं आते तो भी आप केवल मन में अपनी साधारण भाषा में बात कर सकते हैं प्रभु से, उनको अपनी मनोकामना बता सकते हैं कि इस हेतु हम व्रत कर रहे हैं। और अवश्य ही ऐसा व्रत जो कि संकल्प के बाद किया जाता है वो अवश्य ही व्यक्ति को फल प्रदान करता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा ऐसा व्रत है जो आपको रखना चाहिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आपको या तो हनुमान जी के व्रत करने चाहिए या मंगल देवता के व्रत करने चाहिए।
अगर आप प्रभु की भक्ति में और बढ़ना चाहते हैं, आप केवल भक्ति के लिए कर रहे हैं, कोई कामना आपके मन में नहीं है, तो आप हनुमान जी के व्रत रखें, वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। लेकिन यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या किसी कष्ट से आप गुजर रहे हैं या परेशान हैं इस समय, तो आपको सीधा ही मंगल ग्रह का पूजन और व्रत करना चाहिए। वो ही आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए आपको एक सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रदान करेगा। मंगल देवता का जो व्रत है वो आपको शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आप इसे प्रारंभ करें। उस दिन लाल वस्त्र पहने मंगल देवता की मूर्ति अथवा उनका फोटो फ्रेम करा के अपने सामने रखें, उनके बीज मंत्रों द्वारा उनका पूजन करें और पूरे दिन निष्ठा पूर्वक व्रत का पालन करें। दूसरी बात जो हम भूल करते हैं, हम व्रत को करने में दो प्रकार की भूल करते हैं। सबसे पहली है तो संकल्प, और दूसरी जो भूल हमसे होती है वो है कि हम व्रत को पूरी तरह से निभा नहीं पाते। निभाने से मेरा अर्थ है कि एक ओर तो आपने व्रत रखा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर आपका मन अभी भी शांत नहीं है, अभी भी अंदर से आप परेशान हो रहे हैं, अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ऐसा व्रत भी कोई फल नहीं देता है। मैंने सुना है कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको भूख प्यास नहीं लगती है, वो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन उस अवस्था में वो प्रसन्न होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता। इसी प्रकार से अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है, फल प्राप्त करना है, तो उसके लिए उनसे प्रेम करो। अपनी ड्यूटी केवल कर्तव्य मत करो कि आपने केवल मन में ठान लिया कि ठीक है आज खाना नहीं खाएंगे, या आप बिना नमक का खाना खा लेंगे, या हम साधारण खाना खा लेंगे तो व्रत पूरा हो गया। उसे कर्तव्य मत बनाओ, उसे प्रेम से करो, भाव से करो। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका के बीच में संबंध होता है, प्रेम होता है, वैसे ही भक्त को अपने प्रभु से प्रेम और संबंध रखना चाहिए। प्रभु की भक्ति में लीन रहेगी उस दिन व्रत रखो तो पूरे दिन अपने इष्ट का ध्यान करते रहो, ना किसी से कोई फालतू की बात करो, ना अहिंसा, ना कोई व्यर्थ की चर्चा करो, केवल अपना ध्यान अपने प्रभु में लगाए रखो। और क्रोध मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो, एक जीव के साथ, किसी चींटी के साथ, किसी कुत्ते के साथ, किसी पशु पक्षी के साथ भी हिंसा मत करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, कष्ट ना पहुंचाओ, तो जाके व्रत पूर्ण होता है। हमें कभी भी अपनी पूजा पाठ पे, अपने व्रत पे, अपने भक्ति पे अभिमान नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर करा रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। वो अंदर हृदय की गुफा में बैठा है तो ही तो हम सांस ले रहे हैं। यदि जीवित ही ना हो तो कहां से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज का अहंकार, अपनी पूजा का अहंकार, अभिमान भी अपने पूजा पे कि देखो हम तो कितने धार्मिक है, हम तो व्रत रखते हैं, हम तो इतनी पाठ पूजा करते हैं, बाकी सब तो नरक में गिर रहे हैं, पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, ऐसा मन में सोचना भी, ऐसी भावना रखना भी आपके सत्कर्मों को नष्ट करता है, आपके फल को नष्ट करता है। मंगल देवता के जो व्रत होते हैं या हनुमान जी के जो व्रत होते हैं, कम से कम 21 की संख्या में आप रखें, यानी कि 21 मंगलवार रखें, अथवा आप चाहे तो यथाशक्ति उसको 21 से ज्यादा भी रख सकते हैं। व्रत के दिन अवश्य ही ध्यान रखें, कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। व्रत अधूरा है जब तक कि आप उसके साथ कुछ दान नहीं करते हैं, तो आप व्रत के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दान के लिए आप मंगल देवता के लिए मंगल ग्रह के व्रत करते समय मंगलवार के दिन आप फल का दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों को आप फल वितरण कर सकते हैं, लाल रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या जो सस्ते मूंगे आते हैं, मूंगा रतन जो होता है, वो भी आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और एक मंत्र सिद्ध करा कि एक मूंगे का लॉकेट अगर आप अपने गले में धारण करेंगे वो भी अत्यंत आपको शुभ फल प्रदान करेगा। और अगर आप मूंगा जो कि आप दान कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उसे भी मंत्र सिद्ध करा के बांटेंगे तो उसका फल आपको 4 गुना अधिक हो जाएगा। मंगल देवता के बीच मंत्रों का उस दिन आप जाप करें, हो सके तो आप पूरे दिन उस मंत्र को जपते रहें। केवल ध्यान रखिए उस समय आपका मुंह साफ हो, शाम के समय अपने व्रत को पूर्ण करें, और अंत में जब आपके 21 मंगलवार पूरे हो जाए तो आप उद्यापन उसका अवश्य करें। मंगलवार के व्रत को पूर्ण करने से हमें सर्व प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अगर आपको कोई भी रक्त विकार यानी ब्लड से संबंधित समस्या है वो दूर होती है। अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़े रहते हैं, शत्रुओं से आपको भय रहता है, तो शत्रुओं का दमन भी होता है।
आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप इस पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र रतन प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी मंगलवार के व्रत उसमें सहायक होते हैं। इस व्रत को करने से हमारे अंदर बल और बुद्धि दोनों का ही संचार होता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको पूरी व्रत की विधि नहीं मालूम है कि मंगलवार की व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, व्रत कथा क्या होगी, किस नियम से क्या करना है, उद्यापन कैसे करना है, तो आने वाले हमारे वीडियोस को आप अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही शीघ्र मैं आपको हर व्रत का पूरा विधि विधान आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति परेशान है, आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से ज्योतिष का परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या अगर जन्म कुंडली आपके पास नहीं है, आप अपना चेहरा दिखा करके हमें एक प्रश्न कुंडली के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल की बुकिंग कराएं, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें और मुझसे अथवा गुरु जी से अपनी परेशानियों के उपाय ले सकते हैं। इस सेवा को लेने के लिए छोटी सी फीस ली जाती है, जो कि हमारे द्वारा जो हमारा शनि मंदिर है उसको चलाने के काम आती है, और जो हम विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं उस सब में ये प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम समय समय पर शनि महायज्ञ और अन्य यज्ञों का आयोजन करते हैं, जो हम हर शनिवार को प्रसाद वितरण करते हैं, हलवे का प्रसाद बांटते हैं, उसके लिए प्रयोग की जाती है। जो समय समय पर हम अन्नदान करते हैं, लंगर सेवा इत्यादि होती है, उसके लिए प्रयोग की जाती है। और जो हम फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं लड़कियों के लिए, उसमें ये प्रयोग की जाती है, जहाँ पर हर लड़की को हम एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दे के उनको सिखाते हैं और साथ साथ उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो आपके द्वारा दी गई फीस इन सभी कार्यों में प्रयोग की जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो आपके धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपकी शादी से संबंधित हो, शादीशुदा जीवन से संबंधित हो, आपके बच्चों से संबंधित हो, या एजुकेशन या करियर में, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिना झिझक हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य ही आपकी जन्म कुंडली देख के आपको उचित और सटीक उपाय बताएंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही कहना चाहूंगी, अपने जीवन के संघर्षों में कभी भी स्वयं को अकेला मत समझें। आपकी गुरु माँ, आपकी गुरु जी आपके साथ सदैव हैं। मेरी यही कामना है हमारे हर भक्त के लिए, हमारे हर सब्सक्राइबर के लिए, कि आप सभी अपने जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें और जो भी चाहते हैं जीवन में वो प्राप्त करें। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय शनि।